करप्शन भारतीय गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर का एक अटूट अंग है। हमें देश के अंदर करप्शन के बारे में सुनने मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो पिछले कुछ समय से देश में टॉप लेवल या अगर हम सेंट्रल स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स की बात करें तो वहां पर बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स उछलते हुए नजर नहीं आते। बट मेजरली जो करप्शन देखने मिलता है देश के अंदर वो होता है छोटे लेवल पे, नगर परिषद लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, कॉन्ट्रैक्ट देते समय पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, ऐसे जो भी मेजर करप्शन देखने के लिए मिलता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। और इसके वजह से जब भी कोई बड़ी पॉलिसी ऊपर से आती है लोगों के मदद के लिए तो वो नीचे आकर इन अधिकारियों के वजह से यूजलेस बनते हुए नजर आती है या इनएफिशिएंट बनते हुए नजर आती है। ऐसी पॉलिसीज़ में से होती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जहां पे महाराष्ट्र का महाड़ा भी है जो कि लॉटरी बेसिस पर घर लोगों को प्रोवाइड कराता है सस्ते में महंगे शहरों के अंदर। लेकिन यहां पर भी करप्शन, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जैसे इश्यूज थे, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहां के लॉटरी सिस्टम को रिवाइव कर दिया गया है, जिसके कारण अभी से जो अधिकारी है, जो ऑफिसर्स यहां पर है, वो कोई भी हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इंडिया में फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुई है लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस है जहां पर ब्लॉकचेन, जो जनरली क्रिप्टो करेंसी के साथ में एसोसिएट की जाती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वेरिफिकेशन के लिए। और वो क्या है, कैसे है, कैसे करप्शन ये कम कर पाएगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले समझ लेते हैं म्हाडा के बारे में। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फुल फॉर्म है और एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी ये है जो लोगों को शहरों के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराती है वेल प्लान रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब वेल प्लान जो है अपने अपने नजर में अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो बिल्डिंग्स बनती है वो गवर्नमेंटल प्लॉट्स पे होती है। जनरली इसके साथ साथ जो स्लम्स होते हैं उनको एकत्र करके यहाँ पर बिल्डिंग्स क्लस्टर में डेवलप की जाती है, जिनको क्लस्टर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। जो स्लम में रहने वाले लोग होते हैं उनको बेहतर घर दिए जाते हैं, जबकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ घर बेचे जाते हैं सेलेबल एसेट्स के अंदर, जिनको खरीदने के लिए अलग अलग मिडिल क्लास लोग जिनकी इनकम लेवल्स एक्स वाई जेड के आसपास होनी चाहिए, जो सेट किया जाता है स्टैंडर्ड, वो लोग लॉटरी सिस्टम के जरिए इन घरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग लॉटरी जीतेंगे उनको ये घर मिलते हैं बेसिकली खरीदने के लिए स्लम्स के बाहर वाले लोग, बट वो जो प्राइसेस घरों की होगी वो कंपैरेटिवली उस एरिया से बहुत कम होगी। म्हाडा सिर्फ स्लम रीडेवलपमेंट नहीं करता है बल्कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी बनाता है जो कि आप कह सकते हो शहर के बाहर हो। और इसके पीछे का जो मेन कहानी है सस्ते घर खरीदने के चांसेस, वो डिपेंड करते हैं लॉटरी सिस्टम के ऊपर ही, और यही सबसे बड़ा चोक पॉइंट है इन घरों के एक्सेस के लिए। अभी लॉटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेंट्स को कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। जबर म्हाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुल 21 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है जो उनकी एलिजिबिलिटी का प्रूफ होता है। हालांकि उनकी एलिजिबिलिटी को लॉटरी जीतने के बाद में भी चेक किया जाता है। म्हाडा का ये लॉटरी सिस्टम जो था वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसका फायदा उठाकर लोगों ने करोड़ों के स्कैम भी किए हैं, जहां पर कई बार जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो भी इसके अंदर घर खरीद लेते हैं। बीच में ऑफिसर्स करप्शन करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक पर्सन को मल्टीपल घर बेच दिए जाते हैं और जो डिजर्विंग है उसको मे भी मिल नहीं पाते। और इसी चीज को आगे जाकर ट्रांसपेरेंट एंड फ्यूचरिस्टिक बनाने का प्लान किया गया, जिसके लिए IHLMS 2.0 को इंप्लीमेंट किया गया। अभी IHLMS क्या है? IHLMS यानी इंटीग्रेटेड हाउसिंग लॉटरी मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 म्हाडा का एक फ्यूचरिस्टिक प्लान, जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम के मैनेजमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली होगा ये कि सिस्टम के अंदर जो भी लॉटरी एप्लीकेंट्स है उनके डेटा को एक ऑटोमेटेड ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर परमानेंटली स्टोर किया जाएगा, और वो ब्लॉकचेन के अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट होता है एक दूसरे से वेरीफाइबल होना, वो यहां पर किया जाएगा ताकि ये पब्लिकली एक लेजर में रहे। इस सिस्टम को बड़े ही आसानी से टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जा सकता है, और नए सिस्टम में एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी को पहले ही प्राप्त किए गए डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाएगा, जिसकी वजह से लॉटरी के रिजल्ट के दिन कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बेसिकली जो लॉटरी के अंदर अपने एप्लीकेशन डालेंगे वो लोग ही एक्चुअल में लॉटरी के रिजल्ट के दिन अपना नाम देख पाएंगे, या एटलीस्ट उन्हीं लोगों में से सिलेक्शन होगा। बाहर से कोई थर्ड पार्टी भी अगर डालेगा अपना नाम, जैसे यहाँ पे पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं या लोग करप्शन में करते हैं, उन लोगों के नाम भी पब्लिक लेजर में दिखेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी का एक लेयर ऐड होता है। दूसरी बात, वर्तमान में जो एप्लीकेंट जीत भी जाते हैं लॉटरी, इनकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने में 1 साल का समय लगता है घर रेडी हो फिर भी, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये 8 साल तक भी लग जाता है। 8 साल तक घरों के लिए से वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे इस IHLMS सिस्टम 2.0 की वजह से होगा ये कि एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए जो अवधि लगती है वो
छोटी हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे ह्यूमन इंटरवेंशन ही खत्म कर दिया जाएगा और सारे ऑथराइज्ड ऑफिसर का टाइम भी बचेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन ना होने के कारण इस लॉटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो आएगी वही करप्शन को कम करेगी। बेसिकली एप्लीकेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे वो सिस्टम में एक सेपरेट और परमानेंट प्रोफाइल बना सकेगा। जब भी लॉटरी कोई भी जीतेगा तो उनको ऑनलाइन लेटर के जरिए सूचित किया जाएगा। और होगा ये कि गवर्नमेंट इन सारे डेटाबेसेस के अंदर करेगा ये कि डिजी लॉकर, महा ऑनलाइन, इनकम टैक्स, आधार, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, इन चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करके रखेगा। इसका जैसे होगा ये कि अगर आप आधार कार्ड दे देते हो और पैन कार्ड दे देते हो तो आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो सकते हैं। जिसकी वजह से अगर आप अपना आधार देते हो तो मे बी उसके जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो जाएगा, डोमेसाइल की वजह से आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। और टोटल इसके वजह से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं वो भी कम होंगे। इस बार जो लॉटरी होगी उस समय पे 60 डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने पड़ेंगे, 21 नहीं। और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक है तो किसी के लिए भी अगर कोई गफला करना है तो उनको पास्ट में जाकर अपने रिकॉर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कुछ जो है ब्लॉकचेन पे है। कोई भी कुछ भी गड़बड़ करेगा वो यहाँ पे नजर आ जाएगा, वो पब्लिक लेजर में होता है। और इसके वजह से उम्मीद जताई गई है कि आगे जाकर जो भी माड़ा की लॉटरीज होगी वहां पर लोगों को अपने हक के घर ज्यादा बड़ी तादाद मिलेंगे, करप्शन यहाँ पे कम होगा। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं कि पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है ऐसे कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह के लिए। जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी ब्लॉकचेन पर लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि जो फेक डॉक्यूमेंट्स वाला गफला होता है, बिना प्रॉपर इजाजत के ट्रांसफर होने वाला लफड़ा होता है, रजिस्ट्रार के पास में करप्शन वाले इश्यूज होते हैं, उनको भी कम किया जा सके। लेकिन वो ज्यादा बड़ी प्रोसेस है। इनिशियली माड़ा के अंदर ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है और अगर चीजें सही जाती है या इसको और एडवांस बनाया जाता है तो देश में जो भी ऐसे काम है वो हमें आगे जाकर सिमिलर टेक्निक्स के साथ में ही होते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट होगा जो हमें आने वाले 6-7 महीनों में नजर आ जाएगा। स्टॉप। इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।